नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। लंबे जाम के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाला कटरा का हुल्लास नगर रेलवे क्रॉसिंग आज एक हादसे की वजह से एक बार फिर बड़ी सुर्खियों में आ गया है। यहां रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे ट्रक, DCM और एक बाइक को तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर के सबसे खास बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। थाना कटरा क्षेत्र के होलास नगला रेलवे क्रॉसिंग पर आज सुबह तड़के एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां रेलवे फाटक खुला होने पर क्रॉसिंग पार कर रहे DCM ट्रक और बाइक सवार को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों के समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि DCM चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। संभावना है कि सिग्नल फेल होने से यह हादसा हुआ है। जिले में आज 423 कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, वहीं आज 48 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर भी लौटे हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 7306 हो गई है। तो वहीं संक्रमण के चलते आज हुई 3 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या अब 143 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1669 है। पुआया पुलिस SOG और आबकारी की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब और नशीली दवाइयों के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस को अभियुक्तों के पास से अवैध असलाह भी मिले हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को इलाके के नत्थापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 5 अभियुक्त जनपद शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं, तो वहीं इनका एक साथी विपिन कुमार जनपद हरदोई का रहने वाला है। फरार अभियुक्त भूपेंद्र उर्फ भूपिंदर कुटार थाना क्षेत्र के पुनौती खुर्द गांव का रहने वाला है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है, तो वहीं फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी है। अभियुक्तों के पास से पुलिस को 3 तमंचे, कारतूस, एक गाड़ी और करीब 30 पेटी शराब, कुछ खाली पौए और नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। इलाके में कार्रवाई हुई है। हाँ, ये जो अवैध शराब का निष्कर्षण और इसका जो इसकी जो तस्करी है, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में थाना पुवायों को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अर्टिका गाड़ी से भारी मात्रा में शराब, देशी शराब, किसी खपत के लिए कहीं चुनाव की दृष्टि से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर जब पुवाया द्वारा घेराबंदी की गई, तो उस गाड़ी पर बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी का फायर किया, लेकिन पुलिस द्वारा बहुत संयम और साहस का परिचय दिया गया और उनका आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 3 असलेह भी बरामद हुए। इसके अलावा 21 पेटी शराब बरामद हुई। डायजेपाम के टैबलेट्स बरामद हुए, जिनका मकसद था उस शराब में उसको मिलाकर उसे और ज़्यादा नशीला बनाना या उसके उसकी उसको इन्हेंस कर देना। तो इस लिहाज से एक बहुत गंभीर अपराध भी है ये, तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन्हें जेल रवाना किया जा रहा है। थाना तिलहर पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यहां मोहल्ला बारापत्थर इलाके में बिरिया बाबा के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गईं। यहां कई लोग बिना मास्क के नजर आए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ाई के साथ मेले में लगी भीड़ और दुकानों को हटवा दिया। कलान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने D18 गैंग के गैंग लीडर और हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीती रात 1 बजे हिस्ट्री सीटर को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी बंदूक और कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार किया गया हिस्ट्री सीटर अवधेश उर्फ पक्का धीमर कलान के नौसना मड़ाया का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। कुआया थाना क्षेत्र के गांव सिंघापुर खास में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से करीब 10 एकड़ नरई जलकर राख हो गई। आग बढ़ती देख ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय से गाड़ी मौके पर पहुंच जाती तो नरई जलने से बच जाती।
थाना खुदागंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से अवैध असलाह और कुछ जिंदा कारतूस मिले। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीमरपुर तिराहे के पास से सोनू उर्फ जैनेन्द्र को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश तिलहर थाना क्षेत्र के बराह मोहब्बतपुर गांव का रहने वाला है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने आज सिंधौली क्षेत्र के दूल्हापुर गांव में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। विधायक ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील भी की। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पद सिंधौली तृतीय से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक रोशनलाल वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल की रिकॉर्ड मतों से जीत होने का दावा किया है। पोया पुलिस ने 12 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसके पास से चोरी की गई 95 पैंट, 23 टी शर्ट और शर्ट बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त तो मोहल्ला गड़ी कस्बा का रहने वाला शरीफ उर्फ तारू है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को इलाके के गांव पटाई के रहने वाले ब्रजेश कुमार ने थाने में एक बोरा पैंट जिसमें करीब 80 पीस रखे होने की बात कही थी और साथ ही बताया था कि चोरी हो गई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस अब चोर की तलाश में थी। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। दिनांक 21 अप्रैल 2021 को थाना पुआया पर वादी परवेश व ब्रजेश कुमार के द्वारा दो चोरी के संबंध में दो अभियान पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कुछ कपड़े की चोरी बताई गई थी। उसी के क्रम में जब जांच की गई तो मोहम्मद शरीफ उर्फ तारू निवासी मोहम्मद गढ़ी को तो गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास 95 पैंट व 23 टी शर्ट बरामद की गई थी। वादी के द्वारा इसकी पहचान कर ली गई है तथा अभियुक्त को जेल भेजकर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। तिलहर पुलिस ने कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तिलहर के बरेचा गांव के रहने वाले गोलू उर्फ ब्रज बिहारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 90 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। वहीं मौके से बरामद हुई लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया है। इस दौरान अभियुक्त का दूसरा साथी रघुराई मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है और फरार अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। सायाहपुर पुलिस की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 240 लीटर कच्ची शराब, एक पेटी बियर और चार भट्टियां बरामद हुई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। पुलिस की यह कार्रवाई जनपद के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।